शिमला के रामपुर और कुल्लू जिला के निर्मंड खंड और आसपास के इलाकों को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग अवरुद्ध हो गया है। वजीर बाउड़ी नामक स्थान के साथ पहाड़ी से चट्टानों का गिरना लगातार जारी है। लोक निर्माण विभाग भी खतरे को देखते हुए मार्ग खोलने का कार्य आरंभ नहीं कर पाया है। ऊपर से पत्थरों के गिरने का खतरा लगातार बना है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मार्ग खोलने में खतरा टलने के बाद कम से कम दो दिन का समय लगेगा। लोगों का आरोप है कि जब मार्ग को चौड़ा किया गया उस दौरान अत्यधिक विस्फोटक प्रयोग करने से चट्टाने दरक गई हैं और अब बारिश होते ही चट्टाने टूट रही हैं। लोगों का कहना है कि जब तक इस खतरे वाले स्थान का सही विकल्प ना हो मार्ग को बंद रखा जाए। स्थानीय लोगों ने बताया कि पूर्व में भी कार दबने से 6 लोगों की जानें गई हैं। निर्मंड के पूर्व प्रधान कृष्ण शर्मा ने बताया कि बाजीर बाउड़ी निर्मंड सड़क बंद है। बाजीर बाउड़ी के समीप पूर्व में सड़क चौड़ा करते भारी प्लास्टिक की वजह से पहाड़ी दरक गई थी और अधिक बारिश होने के कारण लू चट्टाने गिर रही हैं। इस मार्ग के बंद होने से करीब 20 पंचायतों के लोग प्रभावित हुए हैं और लोगों को अब लंबे रास्ते से होकर आना जाना पड़ रहा है। खतरा लगातार बना हुआ है। पहले भी इस स्थान पर चट्टानों के नीचे कार दबने से 6 लोग मारे गए। इसलिए स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक इस खतरे वाले स्थान का सही विकल्प ना हो मार्ग को बंद रखा जाए। कल सुबह मालूम हुआ है कि वजीरवाड़ी निर्मंड का जो रोड है वो हैवी ब्लास्टिंग की वजह से जो वो कच्चा पड़ा था वो सारा गिर गया है। ये बारिश की वजह से जो रात भर बारिश होती रही उसमें ये जितना भी था वो सारा लूज चढ़ा था वो सारा गिर गया है। इसके गिरने से रोड बंद हो गया और वहाँ से जो 20-25 पंचायतें के जो लोग जाते हैं उस तरफ से उनकी आवाजाही में बहुत बड़ी बाधा आ गई है। वहाँ के रोज़ कई लोग बच्चे स्कूल आते हैं, एम्प्लॉयज़ ऑफिस में आते हैं और कई कारोबार के लिए रामपुर आते हैं, तो उनका रोज़ का आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि अब उन्हें काफ़ी दूर वाले रास्ते से आना पड़ता है जिसमें कि उनका खर्च भी रोज़ का ज़्यादा बढ़ गया है। और दूसरे है कि ये खतरा हो गया है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इसको बंद किया जाए कि जब तक कि इसको परमानेंटली कोई और इसका सलूशन ना निकल पाए, क्योंकि ये पीछे भी यहाँ एक दुर्घटना घटी है, वो भी इसी तरह ऐसे हुआ कि रात को जा रहे थे लोग और वो गिर गया जिससे कि वो 5-6 कैजुअलिटीज हुई थी। तब अब आगे इस तरह का ना हो मेरा प्रशासन से और डिपार्टमेंट से ये अनुरोध है कि इसको बंद करके इसको ज़रा प्रॉपर ठीक किया जाए। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता राजेश शर्मा ने बताया कि पहाड़ी से लगातार चट्टाने गिर रही हैं, ऐसे में काम करना मुश्किल हो गया है और इससे जानी नुकसान ना हो यह भी ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने बताया जैसे ही हालात सामान्य होंगे मार्ग को खोला जाएगा और मार्ग को खोलने में 2 दिन का समय लगेगा। मैं राजेश शर्मा यहाँ का असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। ये जो रोड हमारा ये रोड जो है वजीर बॉली से लेके निर्मंड होते हुए बागीपुल से होते हुए लूरी और निथर होते हुए आनी तक जाता है। ये लगभग वजीर बॉली से 500 मीटर आगे भारी चट्टानों के कारण आने के कारण जो है बंद हो गया है। इस रोड को खोलना अभी मुश्किल है क्योंकि हम 2 दिन से देख रहे हैं कि ये लगातार जो है गिर रहा है। जैसे ही हमें पता लगेगा कि इसको ये थोड़ा स्टेबल हो गया है तो हम इसको खोलने का पूरा प्रयास करेंगे, जल्दी से जल्दी खोलने का पूरा प्रयास करेंगे, कोई हानि ना हो किसी लेबर वगैरह को, इसलिए हमने इस काम को अभी बंद रखा है।